रहर की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान उकठा यानी जिसे हम पौधा सूखने की बीमारी भी कहते हैं उससे होता है। लेकिन रहर की फसल में इसका सबसे ज़्यादा नुकसान सितंबर से अक्टूबर महीने यानी जब रहर में फूल निकलने की अवस्था होती है उस समय सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। वैसे तो बीज उपचार के समय बीजामृत और ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर हमने इस बीमारी को लगने की संभावना बिल्कुल ही कम कर दी है, लेकिन अपनी रहर की फसल को और सुरक्षित रखने के लिए हमें समय समय पर जीवामृत का प्रयोग करते रहना चाहिए। जीवामृत अरहर की फसल के लिए एक वरदान के रूप में होता है। गांव में उपलब्ध प्राकृतिक पदार्थों से ही एक जैविक दवा के रूप में इसका निर्माण किया जा सकता है और ये फसल में लगने वाली बीमारियों से ही सिर्फ फसल को नहीं बचाता है बल्कि फसल की वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। इससे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन जैसे आवश्यक अवयव पौधों को और ज़मीन को प्राप्त होते हैं जो फसल को और अच्छा बनाते हैं, उपज और अच्छी हो सकती है। एक एकड़ की फसल में एक बार प्रयोग करने के लिए हमें 150 से 200 लीटर जीवामृत की ज़रूरत होती है और जिस दिन हमने जीवामृत बनाना शुरू किया उससे 9वें दिन जीवामृत का प्रयोग सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। हर पौधा में 100 मिलीलीटर जीवामृत डालना है और डालने के पहले आसपास की मिट्टी को भुरभुरा कर देना है। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा इसलिए कि पौधा के जड़ में ये जीवामृत पहुंच जाए और इसको शाम को समय में दिया जाता है ताकि वह सुबह तक पूरा असर हो जाए। कि जीवामृत डालने से पहले मिट्टी में नमी होना चाहिए। इसका मतलब दीदी रहर की खेती में बारिश के हिसाब से ही जीवामृत डालना है क्या? हाँ दीदी, ऐसा इसलिए कि सूखा में अगर जीवामृत को डालेंगे तो पौधा को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। दीदी, जब आपका पौधा 110 दिन का हो जाएगा तो हर 20 दिन में 4 बार जीवामृत डालना है। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि जीवामृत बिल्कुल अपने नाम की तरह पौधों के लिए अमृत के समान होता है। तो आप भी अपने रहर के पौधों को इस अमृत यानी जीवामृत से वंचित मत रखिएगा। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रहर की फसल में फल छेदक कीड़े से बचाव कैसे किया जाता है। अरहर की फसल में हर पौधे में 1 कप यानी 50 से 100 मिलीलीटर जीवामृत का उपयोग वीडियो में बताए गए तरीके से जरूर करें और अपने अरहर की फसल को उकठा रोग से बचाएं।